वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सोनाल। लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। पेरिस हिल्टन कंट्रोवर्सी से कंगना को बचाने सामने आया उनका एक एक्स बॉयफ्रेंड। हिमेश इज बैक बट विद अ चेंज। अपनी फिल्म की म्यूजिक रिलीज पर किया SRK का गुणगान। बिपाशा बेकरार हुई नए बॉयफ्रेंड के लिए, कहा मेन शुड वू मी। और दिखाएंगे आपको गणपति के सेवा में लगे हैं कौन कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। पेरिस हिल्टन की फैशन लाइन को कंगना ने एंडोर्स करने की खबर से शुरू हुई कंट्रोवर्सी लगातार बड़ी होती जा रही है। जहां कंगना इस पर कभी पेरिस हिल्टन से ना मिलने की सफाई दे चुकी हैं, वहीं अब ये खबर भी गर्म है कि पेरिस हिल्टन कंगना को उनका नाम यूज करने पर सू करने जा रही हैं। लेकिन कंगना को इस ट्रबल से बचाने के लिए उनके मिस्टर एक्स सामने आ गए हैं। क्या है इस डेवलपिंग कॉन्ट्रोवर्सी का नया ट्विस्ट, देखिए स्टोरी में। कंगना के फैशन का जलवा खतरे में पड़ गया है। पेरिस हिल्टन की फैशन लाइन को एंडोर्स करने में कंगना का नाम जो सामने आ रहा है, इन्हीं खबरों के बाद इंटरनेशनल सेंसेशन पेरिस हिल्टन के निशाने पर आ गई हैं कंगना रनौत। लेकिन इससे पहले कि पेरिस हिल्टन करें कंगना पर कोई भी अटैक, कंगना के बचाव में उनके एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन सामने आ गए हैं, जो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने ही मिलवाया था कंगना को पेरिस से। जी हाँ, कल ही हमने आपको बताया था कि कंगना एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी में फंस चुकी हैं और ये कंट्रोवर्सी है इंटरनेशनली रिनाउंड सेलिब्रिटी पेरिस हिल्टन की फैशन लाइन के एंडोर्समेंट की। और इस मामले में अध्ययन का एक न्यूज़पेपर को दिया गया ये स्टेटमेंट एक बड़ा अपडेट है। पेरिस एंड आई आर फ्रेंड्स, आई हैड इंट्रोड्यूस्ड कंगना टू पेरिस व्हाइल पार्टिंग विद हर इन दुबई मेनी इयर्स अगो। Kangna, who met Paris very briefly, said she has been a huge fan of hers. Paris was of course very flattered. Kangna ke support mein Adhyayan ka ye statement to aa gaya, par ye sawal ab bhi barqarar hai ki Paris Hilton ke aane se pehle unke aur Kangna ke beech ek controversy kyon aa gayi hai samne? Kangna aur Paris Hilton dono mein se kaun jhoot bol raha hai? ये खुलासा तो जल्द ही हो जाएगा। पहले आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल पेरिस इंडिया में अपनी इंटरनेशनल फैशन लाइन लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। शायद इसी सिलसिले में वो सितंबर एंड में इंडिया आएंगी। लेकिन इससे पहले कि पेरिस हिल्टन इंडिया में लैंड करती, यहाँ प्लांट हो गई है एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये न्यूज आई कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को पेरिस हिल्टन की फैशन लाइन को एंडोर्स करने के लिए अप्रोच किया गया है। इस पर कंगना रनौत की तरफ से सफाई भी दे दी गई है कि उन्होंने कभी पेरिस हिल्टन से मुलाकात ही नहीं की और ये रिपोर्ट्स फॉल्स हैं। वहीं पेरिस हिल्टन के इंडिया में मौजूद रिप्रेजेंटेटिव्स लगातार ये कहते रहे हैं कि पेरिस खुद एक वर्ल्ड रेनाउंड सेलिब्रिटी हैं। फिर ऐसे में उन्हें अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जरूरत भला क्यों पड़ने लगी। रिपोर्टेडली यहाँ तक कहा गया कि पेरिस हिल्टन कंगना को सू करने जा रही हैं क्योंकि कंगना ने उनके नाम का इस्तेमाल किया है। इन सभी कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच अध्ययन कंगना के बचाव में सामने आ गए हैं। अध्ययन का कहना है कि वो और पेरिस हिल्टन दोस्त हैं और उन्होंने ही कंगना को पेरिस से मिलवाया था। यानी पेरिस हिल्टन से शुरू हुई इस कंट्रोवर्सी ने एक बार फिर कंगना और अध्ययन के दिलों को मिला दिया है और कंगना अध्ययन के सपोर्ट में और अध्ययन कंगना के सपोर्ट में आ गए हैं आगे। हिमेश रेशमिया ने बॉडीगार्ड में धमाकेदार म्यूजिक देकर बॉलीवुड में सक्सेसफुल वापसी कर ली है। लेकिन सलमान के सहारे वापस आए हिमेश शाहरुख का भी गुणगान कर रहे हैं। मैं तो यार हंसता ही नहीं था, अभी यार ये बॉडीगार्ड का म्यूजिक हिट हुआ है तो हंसना शुरू किया है मैंने। जी हाँ, हिमेश रेशमिया की खुशी लौट आई है और लौट आए हैं ब्रांड न्यू हिमेश, जो हालांकि अपनी वापसी के लिए एक बार फिर पहले की तरह सलमान खान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बॉडीगार्ड के म्यूजिक ने सारे रिकॉर्ड डाउनलोडिंग के और सेल्स के और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सलमान भाई का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया बॉडीगार्ड में संगीत देने का। बट हिमेश, हमें लगता है कि आपकी ये कैब भी कुछ कम लकी नहीं है आपके लिए।
बताइए सक्सेस के लिए सलमान और इस कैप में से किसे ज्यादा लकी मानते हैं आप? सलमान भाई ज्यादा लकी है क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या से ब्रेक और उनके साथ 11 सुपरहिट दे चुका हूँ और अब बॉडीगार्ड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा लकी तो सलमान भाई हैं। और कैप का जहाँ तक सवाल है वो अब दोबारा एक हमारा गाना है मधुशाला, उसमें आप मुझे दोबारा देखेंगे उस कैप में जो नहीं था, तो इस फिल्म के प्रमोशन में भी मैं इस कैप का इस्तेमाल करूंगा। लक की बहुत जरूरत है। लक की जरूरत तो है ही, सलमान के साथ की भी कुछ कम जरूरत नहीं है आपको। आखिर बॉडीगार्ड ने ही तो आपको बॉलीवुड में धमाकेदार वापसी का मौका दिया है। पर ये क्या, आप इतने बदल जाओगे ये उम्मीद तो शायद सलमान खान ने भी नहीं की होगी। देखिए कैसे सलमान के राइवल नंबर 1 शाहरुख खान और उनकी फिल्म के सॉन्ग की तारीफों के पुल बांध रहे हैं हिमेश। चमक छल्लो तो सुपरहिट गाना है ही, जी वो तो सुपरहिट गाना है और शाहरुख खान साहब बहुत बड़े स्टार हैं और वो पिक्चर तो सुपरहिट होगी आर्यवान, क्योंकि बहुत बड़ी तरीके से रिलीज़ हो रही है और बहुत अच्छी फिल्म लग रही है और वो होगी भी, और भगवान करे वो बहुत कामयाब रहे। अरे ये क्या कहे जा रहे हैं हिमेश, कहीं बारी बदलने का इरादा तो नहीं है? आप तो वाकई काफी बदल गए हैं, तभी तो आप कर रहे हैं सलमान के सबसे बड़े राइवल की फिल्म पर तारीफों भरे कमेंट। मैं एक्चुअली नहीं कमेंट करता हूँ किसी पे भी, मुझ पर पूरी दुनिया कमेंट करती है, ये ऑलवेज है। सब अपना अपने चाचा जी का माल समझ के बिल्कुल कमेंट कर ही देते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, रियली मैं नहीं करना। एक बार आशा जी से करने की कोशिश की तो पता नहीं कितना बड़ा बवाल हो गया, तो वैसे मैं नहीं करता हूँ। हाँ भाई बवाल तो हो भी सकता है, आखिर मामला बॉलीवुड के सबसे बड़े खान मौल का जो है, ऐसे में जरा फूक फूक कर कमेंट करें आप तो ही अच्छा है। वैसे आपको बता दें कि हिमेश यहाँ आए थे अपनी आने वाली फिल्म धमाधम का म्यूजिक रिलीज करने। दिवाली पे हमारी भी एक फिल्म आ रही है जो एक कॉमेडी है, और हस्ती खेलती फिल्म एक लोगों को एक 5-day वीकेंड है, मज़ा आएगा, और एक अच्छी सिंसियरिटी से बनाई हुई ऋषिकेश मुखर्जी टाइप की जो फिल्में होती थी गोलमाल वगैरह, तो वो उस किस्म के मस्ती वाले माहौल की फिल्म है। आम किरदार हैं हमारे और हंसते खेलते आप जाओगे, हंसते खेलते बाहर आओगे। वी होप ऐसा ही हो। वैसे लगता है फेलियर्स ने काफी कुछ सिखा दिया है हिमेश को, पर हिमेश की खुद को एक सक्सेसफुल एक्टर साबित करने की जिद की दाद देनी पड़ेगी। इतनी लंबी स्ट्रगल के बाद भी उन्होंने एक्टर बनने का इरादा बिल्कुल नहीं छोड़ा है। आफ्टर द सुपर सक्सेस ऑफ बॉडीगार्ड इन म्यूजिक आई नीड सुपर सक्सेस एज एन एक्टर ऑल्सो, बिकॉज मेरी पहली फिल्म बहुत बड़ी हिट रही लेकिन उसके बाद जो 3 फिल्में आई वो नहीं चल पाई, जिस किसी वजह से ये हुआ, लेकिन ये फिल्म पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है इसलिए मैं अपने बैनर के जरिए HR म्यूजिक के जरिए इस फिल्म को ला रहा हूँ, और अब इसके गाने भी धूम मचा रहे हैं और उमराव जान ऑलरेडी डाउनलोड्स में बहुत आगे है, बहुत अच्छा जा रहा है, तो खुशी हो रही है और उम्मीद करता हूँ कि दिवाली पे एक सबको एक मीठी दिवाली मिलेगी धमाधम के जरिए। बिपाशा बासु ने लगता है अपने ब्रेकअप के बाद पूरी तरह फ्री होकर जीने का इरादा कर लिया है, तभी तो वो खुलकर कह रही है मेन शुड वू मी। जब से मीडिया में बिपाशा के जॉन के साथ ब्रेकअप की खबरें आई हैं, ठीक उसी दिन से मीडिया में उड़ने लगी हैं उनके लिंकअप्स की खबरें भी, कभी शाहिद कपूर तो कभी सलमान खान, और रिसेंटली उन्हें लिंक किया गया रणबीर कपूर के साथ भी। और जब मीडिया में ये सब अफवाहें उड़ेंगी तो लाजमी है कि विक्टिम कुछ तो बोलेगा ही, ठीक उसी तरह बिपाशा ने भी क्लियर की मीडिया में आके कुछ बातें। बिपाशा के मुताबिक रणबीर कपूर है एक अच्छे दोस्त और बढ़िया इंसान, इसके अलावा इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। शी ऑल्सो वेंट ऑन सेइंग आई एम एट द स्टेज इन माई लाइफ वेयर मेन शुड वू मी, इट शुडंट बी द अदर वे अराउंड। ट्रू बिपाशा, ये तो थी इनकी क्लैरिफिकेशन ओवर रणबीर कपूर। हाल ही में खबर ये भी आई थी कि वो करती हैं ऑफ लेट SMS टॉक विद सलमान खान, बिपाशा ने एक डेली में इस खबर को भी डिनाई कर दिया है। बिपाशा ने लिंकअप्स के बारे में तो बात की ही, और साथ ही साथ जॉन के साथ हुए ब्रेकअप के बारे में तो ये तक कह दिया, I don't believe in wasting a minute over someone who doesn't value me. Well, the actor is busy shooting for her films, but whenever she will get the time, she will socialize and try hard to widen her friend circle. और ऐसे में अगर मीडिया इनके लिंकअप्स की खबरें बनाती है तो इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैटरीना कैफ ने रिसेंटली अमिताभ बच्चन को इम्प्रेस करने की खूब कोशिश की है, क्या है इसकी वजह बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। आजकल फिल्म इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि किसी भी फिल्म में पुरानी फिल्म का कोई डायलॉग यूज कर लिया जाता है और रिलीज से पहले हो जाती है उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी।
मगर लगता है कि कटरीना इस तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हैं। कटरीना नहीं चाहती हैं कि उनकी फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन किसी भी मुश्किल में फंसे, इसीलिए तो उन्होंने कर दिया अमिताभ बच्चन को अपनी अदाओं से इम्प्रेस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल कटरीना हाल ही में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन के शो पर गई थी और कटरीना ने अपनी फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन में अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले के कई डायलॉग भी यूज किए हैं। अब इससे पहले कि अमिताभ कुछ कहें, कटरीना ने शुरू कर दी शोले फिल्म की तारीफ और ये भी कहा कि उन्हें बहुत अच्छी तरह से इस फिल्म के डायलॉग याद हैं। फिर क्या था, अमिताभ जी ने जैसे ही कहा कटरीना से कि वो बोल कर बताएं शोले फिल्म का डायलॉग, तो कटरीना को मिल गया अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका और कर दिया इम्प्रेस बिग बी को। चलिए कटरीना, अब ये तो श्योर है कि बिग बी की तरफ से आप पास हो चुकी हैं। लेट्स सी ऑडियंसेस का क्या रिएक्शन मिलता है आपको। रणबीर कपूर बॉलीवुड के कन्हैया है, इस बात में अगर किसी को डाउट है तो उनके लिए है एक विजुअल अपडेट। आपको दिखाते हैं हाउ रणबीर इज मिल्किंग अ काउ। भले ही रणबीर कपूर कपूर खानदान के अकेले वारिस हों और घर पर उनके आगे पीछे ढेरों सर्वेंट्स हों, मगर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए रणबीर ने वो कर दिखाया है जो कि शायद उन्हें किसी भी प्रोफेशन में नहीं करना पड़ा हो। जी हाँ, रणबीर ने निकाला गाय का दूध। यकीन नहीं आता तो इन पिक्चर्स को खुद ही देख लीजिए कि किस तरह से रणबीर दूध निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसी उन्हें क्या जरूरत आ गई भला। दरअसल बात ये है कि अपनी आने वाली फिल्म रॉकस्टार में रणबीर निभा रहे हैं एक जट फैमिली मेंबर का रोल और इस रोल में परफेक्ट फिट होने के लिए रणबीर ने एक पूरा दिन एक जट फैमिली के साथ बिताया। रणबीर ने वो सारे एक्सपीरियंसेस लिए जो कि एक जट फैमिली में रेगुलर बेसिस पर होते हैं और ये दूध निकालना भी उन्हीं में से एक है। लगता है रणबीर और इम्तियाज दोनों ने ही जी जान लगा के मेहनत की है इस फिल्म के लिए। पहले इन्होंने इन्फ्लुएंस निकलवा कर करवाया ब्रायन एडम्स के कॉन्सर्ट का फुटेज अरेंज, फिर आई रणबीर की ये खबर जिसमें वो दिख रहे हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेते हुए बाय स्टेइंग विद अ जट फैमिली। और बात जो आपको चौंका देगी वो है ये कि मुंबई के ग्रैंड रोड में है एक रेड लाइट एरिया जहां पहुंचे इम्तियाज और रणबीर कपूर टू शूट इन अ ब्रोथेल। जी हां, इम्तियाज अपनी कास्ट एंड क्रू के साथ वहां पहुंचे और शूट किया विद द सेक्स वर्कर्स, जहां पर रणबीर कपूर ने सेक्स वर्कर्स के बीच बैठकर गिटार बजाया और गाने भी गाए। देयर इज वन मोर ट्रूथ टू द स्टोरी कि रणबीर कपूर ने इस फिल्म के लिए सीखा है गिटार बजाना भी। नॉट बैड रणबीर, अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। वी होप कि आपकी ये मेहनत रंग लाएगी। रिसेंटली जैकलीन ने विजिट किया जूम ऑफिस और इस बीच उन्होंने किए कई कैंडिड कन्फेशंस साजिद खान से लेकर उन सारी स्टोरीज पर जो गॉसिप के गलियारों में छाई हैं। Wouldn't you love to be murdered by her? Smart, sexy, witty and proclaimed to be the next superstar by a lot of directors. I'm talking to Jacqueline Fernandez. Okay, I'm dead. Jacqueline, you've taken this role to a different level altogether. People with, you know, 100 comparisons to Malika and, you know, a lot of people after that, Bipasha. You took it to a different standard and lived up to it. And now, in fact, you know, people don't find it vulgar. See, for me, I think it's basically how you play it. It's what you're comfortable with doing. For Murder 2, it was out of my comfort zone. I mean, playing that character was out of my comfort zone. But at the end of the day, I saw it as, okay, this is a movie. I'm an actor. We're doing a scene. You know, it's that. It's a make-believe world, you know? So, yeah, I mean, a lot of people are like, oh my God, you're so bold and you're so this. But I was like, no, actually, I'm not. I'm not really like that. I'm not that character. You need to be able to differentiate between the two. Talking of that, your co-star was very interesting. Imran Hashmi is known to be the serial kisser of Bollywood. So what kind of inhibitions did you have? On first meeting him, I felt he was very quiet and very shy. And then I realized that Imran Hashim was actually one of the coolest people, you know, that I'd ever met. We come from a kind of world where we're so concerned about what everyone thinks about us and how people will perceive us and what people, if we're pleasing, if we're upsetting people. You know, and he's just like, oh my God, like I live my own life, I'm my own person, and this is just how I am, take it or leave it. But it was great working with him because, of course, he had the experience. You've been also a little upset with all the controversies going on and, you know, as to how, you know, you've been going around with a certain director of Houseful and all that. I don't like it that one journalist can so frivolously write when I'm going to be married and what month and when and to who. And it's like, you know, if I do get married, and I do intend on being married,
I will tell you myself, and I will talk about it when I want to talk about it and when I'm comfortable talking about it. But for now, leave my private life alone, you know? Like, I mean, I can talk about something. I will obviously talk about it. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे गणपति के सेवा में लगे हैं कौन कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। बॉलीवुड 11 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव के सेलिब्रेशन में डूबा है। आपको दिखाते हैं सोनू सूद, कंगना और हिमेश रेशमिया की गणेश भक्ति। सोनू सूद ने अपने घर में रखा है पूरे 11 दिन का गणपति और वो कर रहे हैं बड़े जोरों शोरों से पूजा। सोनू सूद गणपति के सेलिब्रेशन में इतने मगन हो चुके हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपना पूरा समय गणेश जी के साथ ही बिताएं। हम उनके घर पहुंचे और उनसे की ढेर सारी बातें। आमची मुंबई में गणपति सेलिब्रेशंस आर ऑन फुल बूम एंड आज हम आए हैं सोनू सूद के घर पे जो 11 दिन तक गणपति की पूजा अर्चना करते। सोनू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। That is all mine. In fact, मैंने नहीं, गणपति पापा ने आपको बुलाया है और इस साल 12वां साल है गणपति का और मैं पिछले 12 सालों से हमेशा ही 11 दिन के लिए गणपति रखता हूँ और आई थिंक इच्छा नहीं होती कि 11 दिन भी ऐसा लगता है कम पड़ते हैं कि आप विसर्जन करने जब जाते हैं तो यू आर वेरी इमोशनली इंटरेस्ट कि आप ये कैसा लगता है कि एक परिवार के सदस्य को आप लेके जा रहे हैं विसर्जन के लिए। तो दिन हमेशा मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उस दौरान शूटिंग ना करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यहाँ पे बिताऊँ गणपति के साथ। एंड आई थिंक एवरी ईयर आई बीन ब्लेस्ड बाई गणपति और हर साल जिंदगी में अलग नए पड़ाव हासिल किए। आई थिंक ऑल थैंक्स टू गणपति पापा। ये तो थी गणपति पूजन की बात। लगे हाथ आप हमें इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ थोड़ा जूसी गॉसिप भी क्यों नहीं दे देते सोनू। बस इतना कहने की देर थी कि सोनू सूद ने दे दी हमें ढेर सारी गॉसिप। बिपाशा की मुन्नी सॉन्ग की हमेशा चर्चा में रही है बात। आई वुड से कि उसकी शुरुआत मैंने ही जब मैं शूट कर रहा था दबंग का, तब जो डायरेक्टर हैं एस जर्नी उनसे बात हुई कि किसे लेना चाहिए। तो आई रिकमेंड कि बिपाशा इज़ वेरी वेरी गुड और दे वर वेरी कन्विंस्ड एंड स्टिल वी आर ट्राइंग। बट वो शायद ग्रीस में शूट कर रही हैं उस दौरान और फिल्म दिवाली पे रिलीज़ है, सो आई थिंक डेट्स का कुछ क्लैश हो रहा है। बट आई स्टिल आई प्रायोरिटीज इफ़ बिपाशा कुड डू इट इट विल बी ग्रेट। सो वी कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस कि कुछ डेट्स एडजस्ट हो पाए और वो इस फिल्म का हिस्सा बन पाए एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। चलिए ये तो थी सोनू सूद की बातें। हम विश करते हैं कि गणपति बप्पा आपके घर में लाएं ढेर सारी खुशियां और इसी नोट पर बाहर निकलते हैं सोनू सूद के घर से और सीधा रुख करते हैं सिद्धि विनायक की तरफ। यहाँ हमने स्पॉट किया कंगना रनौत को। ब्राइट रेड सलवार कमीज में कंगना लग रही थी एक न्यूली वेड ब्राइड। व्हाट्सअप विद दिस रेड लुक कंगना। खैर जो भी हो आप काफी प्रिटी लग रही थी। कंगना ने अपने घर पे तो गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित नहीं की लेकिन गणेशोत्सव के शुभ मौके पर वो गणपति बप्पा का दर्शन करना नहीं भूली। कंगना के साथ तो नहीं पर यहीं हमने स्पॉट किया हिमेश रेशमिया को भी जो लगता है या तो अपने फिल्म के म्यूजिक लॉन्च से वापस आ रहे थे या फिर अपनी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च करने से पहले गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने आए थे सिद्धि विनायक। तो कुछ इस तरह कुछ सेलेब्स ने अपने घर पर तो कुछ अपने घर से बाहर निकल कर आए मंदिर में बप्पा के दर पे अपना सर झुकाने। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.